फोन उठाओ यार दिशा। हेलो, अभी फोन उठाया उसने। हाँ पूरब जी। हेलो दिशा, मैं अभी बोल रहा हूँ। ओ सॉरी जी, जो मुझे लगा पूरब जी। दिशा तुम जल्दी वहां से भागो क्योंकि प्रज्ञा वहां पर आने वाली है और वो पीछे सीसीटीवी वाले कमरे में हमारे इंतजार करना, हम पहुंचने वाले। ऑलराइट। हाँ जीजू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पिछले दरवाजे से ना सीसीटीवी रूम में चली जाऊंगी। ठीक है। ओके गुड लक। ओके जीजू, ऑल द बेस्ट। अरे जल्दी जल्दी कीजिए भैया, रुकिए मैं करती हूँ। नहीं इससे क्या होगा, थोड़ा सा रियल लगना चाहिए ना। भाभी बहुत डर लग रहा है मुझे सच में। अरे आप डर क्यों रहे हैं? देखिए मैंने आपके बारे में कितना कुछ सुना है, आपने रामलीला में कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स प्ले किए हैं ना, कितने बड़े बड़े किरदार निभाए हैं। देखिए आप स्टेज पे काम करते हैं पर ये स्टेज नहीं है, रियल लाइफ है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा सब कुछ ना, रियल रियल कीजिएगा, लाउड एक्टिंग मत कीजिएगा। ठीक है, अगर लाउड एक्टिंग कर दिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और नहीं तो भाभी आप ना मुझे और मत डराओ प्लीज, मैं ना ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ। और आपको पता है मैंने पूरब को बोल दिया था कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, और भाभी मैं नहीं करूंगा, मैं ना जा रहा हूँ, आप इसको ले आना भाभी, मेरे से नहीं हो पाएगा भाभी। अरे नहीं, डरते नहीं है। देखिए आप ये समझिए ना, घर की बात है, घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हैं आप। अब ना सिर्फ फोकस ऑन एक्टिंग, ओके, बस एक्टिंग करनी है आपको, बाकी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ एक्टिंग पे फोकस कीजिए। अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप ही हमारी आखिरी हो, प्लीज। ठीक है भाभी, अब कर देता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ की ना अब तक किससे बहुत डिफिकल्ट परफॉर्मेंस होने वाली है ये। बस यही सोचना कि आपके लाइफ की सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस है, ओके? Yes. पूरे जज्बे के साथ परफॉर्म करना। Yes. 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 Okay. Yes. आपकी मूछ? मूछ? मूछ कहाँ गई? यहीं कहीं होगी भाभी। भाई ये एड्रेस पता है आपको? अरे क्या मैडम, कैसी बातें करती हैं आप, उसी घर के सामने खड़ी हो और मुझसे पता पूछ रहे हो। सॉरी, पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं। भाभी यही रखी थी मैंने मूछ। ये दिशा यहाँ इस घर में क्या कर रही है? ओह नो, कहीं ये तीनों मेरी सच्चाई सामने लाने के लिए कोई नाटक तो नहीं कर रहे, क्योंकि ड्रिंक करके तो ड्राइव ये कर ही नहीं सकते। वो अभी सेलिब्रिटी है ना, इसलिए उसे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये इंस्पेक्टर तो खड़ूस है, इसको लगता है कि ये बड़ा आदमी है तो क्या ऐसे छोटे मोटे आदमियों को उड़ाता फिरेगा। क्या मालपुआ? किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए? क्या है ना, यहाँ पर खाने में सिर्फ मार खिलाता, कुछ नहीं। एक समझ गई, ये पक्का इन तीनों का ही कोई प्लान है। अरे क्या करते हैं आप, कहाँ रख दिया आपने मूछ दीदी, कभी भी आती होगी ढूंढिए। भाभी मैंने यही रखी थी, सच में मैं यही रखी थी। चल जल्दी चल, मैं उसके एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता। यार आज प्रज्ञा दी जब मान लेंगे कि वो प्रज्ञा दी है तो पूरी रात पार्टी करेंगे। बस एक बार वो अपने मुंह से कह दे कि वो फूकी है, लाइफ टाइम पार्टी करेंगे यार। तो सोच के ना चल। पार्टी तो हम तब करेंगे जब मैं खुद आपके सामने आकर आपको अपनी सच्चाई बताऊंगी। कौन है? अच्छा तो दरवाजा भी खुला रखा है। अरे कौन है भाई?
इमोशंस ऑफ प्रज्ञा, और शॉर्ट फिल्म में अभिषेक प्रेम मेहरा। जी आप यादव जी हैं? हाँ मैं यादव जी हूँ, आप कौन? मैं प्रज्ञा मेहरा, अभिषेक मेहरा की बीवी। तुम क्यों हो यहाँ? देखने हैं मैं जिंदा हूँ या मर गया। अरे ऊपर वाले का साथ है, जाकर आके साइयां मार सके ना कोई, पर जाकर आके अभी तो चल ना सके कभी। इतना बुरा ठोका है तुम्हारे पति ने गाड़ी से, चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और नमक। नमक? हाँ वही छिड़काने आए ना मेरे जख्मों पर। अरे जाओ जाओ, नहीं चाहिए कुछ भी मुझे। देखिए देखिए आप दूर हो, ठीक है, चोट लगी है ना आपको, मैं दूर हूँ, लेकिन आप मेरे पति का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? मैं तो सिर्फ बात करने आई हूँ आपसे। नहीं नहीं सारी बातें अब पुलिस स्टेशन और कोर्ट में ही होंगी। देखिए ऐसा मत कहिए, देखिए मेरे पति जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। इतने सीधे हैं कि मुझे टेढ़ा कर दिया। बाथरूम की तरफ जाता हूँ ना तो मुड़ते मुड़ते किचन में पहुंच जाता हूँ, बहुत सीधे हैं। देखिए मैं आपका दर्द समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरा दर्द भी समझिए ना, मेरे पति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और कानून तो कभी नहीं तोड़ सकते, शराब पी के गाड़ी कभी नहीं चला सकते, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये मेरे जख्म झूठ बोल रहे हैं। देख रहे हो आप कितना दर्द हो रहा है? अरे आप लोगों कहाँ गरीबों का दर्द दिखेगा, दर्द क्या आप लोगों गरीब ही नहीं दिखते। दिख रहा है ना, पट्टी के बाहर भी खून दिख रहा है। अरे तो दिखेगा ही ना खून, तो जब तुम्हारे पति ने ठोका इतनी तेज़ तो खून तो बाहर आएगा ही। हाँ सी बातें कर रहे हो, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको, मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए तो मैं यहाँ तक आई हूँ आपसे बात करने। लेकिन देखिए मेरे पति ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना, गलती हो गई उनसे, आप माफ कर दीजिए। आपकी कंप्लेन की वजह से ना उन्हें जेल में डाल दिया ऑलरेडी, और डंडे से खूब पिटाई कर रहे हैं उनकी। अरे ऐसे इंसान को डंडे पड़ने चाहिए, पुलिस के बाद तो उसे भगवान की लाठी पड़ेगी जिसकी आवाज नहीं होगी, लेकिन उस अभिषेक मेहरा के मुंह से ना बहुत सारी आवाजें निकलेंगी। ये कुछ ज्यादा ही लाउड नहीं कर रहा, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है यार। अबे यार ये थिएटर एक्टर है ना, काम नहीं मिला बेचारे को, इसलिए सारी एक्टिंग की भड़ास यही निकाल रहा है। बोला था इसे ज्यादा लाउड एक्टिंग मत करना। प्रज्ञा को अगर इस पे शक हो गया। ऐसा मत कहिए, देखिए वो मेरे पति हैं, मेरा कुमकुम है वो, और कुमकुम नहीं रहेगा तो मैं गुमसुम हो जाऊंगी ना। मेरा कुमकुम गया तो लाइफ गुमसुम हो गया, ये तो मेरी प्रज्ञा ही बोल सकती है। प्रूफ आगे देख। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपको पता है एक टांग के बिना एक इंसान चल सकता है, लेकिन एक पति के बिना एक सुहागन नहीं चल सकती, मैं क्या करूंगी उनके बिना? आपको दर्द हो रहा है? मेरे दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। मैं आपको याद दिला रही थी, लेकिन मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है ना, गलती से हाथ लग गया मेरा। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरे पति, उनसे गलती हो गई, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और फिर इस कंप्लेंट की वजह से ना वो उनकी इमेज, उनका उनकी पोजीशन, उनका रेपुटेशन, उनका करियर सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आप प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। भाई हो गया, कैसे गिड़गिड़ा रही है, मेरा पति मेरा सुहाग एंड ऑल दैट, ये तो मेरी प्रज्ञा ही है यार। यस हम जीत गए, यस हम जीत गए। वे साले खुशी मेरी है और तू बाट दिशा के साथ रहे, वापस आई था यार, वो थोड़ी एक्साइटमेंट में हो गया था, एक तू भी ले ले, हम जीत गए। जीजू आपको आपकी वो मिल गई, वो नाम आप ही के मुंह से अच्छा लगता है ना, और हमें हमारी प्रज्ञा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मतलब मैं अपने जख्मों का हिसाब ना करूं? नहीं नहीं नहीं, जख्मों का हिसाब बिल्कुल कीजिए, आपको चोट लगी है इतनी, आपको हिसाब तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप मेरे पति को मुसीबत से बचा लीजिए, उसके बदले में आपको कितने पैसे चाहिए आप बताइए। स्टेज शो में तो महीने के बाद पैसे मिलते हैं, ये सही है,
फिल्म की शूटिंग के बीच में पैसे मिल रहे हैं। वैसे कितने पैसे मिल जाएंगे? ये हुई ना बात, बैठिए। अरे बैठिए, दर्द हो रहा होगा आपको। अब बताइए आपको पैसे कितने चाहिए? 10 लाख, 20 लाख? बेटा अंकित, अब मौका मिला है तो चौका तो मार। इतने में मेरा क्या होगा? इतने में तो चोर बाजार में 10 पैसे की दुकान भी नहीं आएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और कितने चाहिए आपको? तुम दोनों को कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? मैं गड़बड़ तो की थी ना उसने एक्टिंग में, अपना काम तो हो गया ना यार। साले मैं पटा की बात कर रहा हूं, मतलब वो मुझे मुसीबत से बचाने के लिए कुछ भी कर लेगी, लेकिन मतलब किसी को एक्सीडेंट में फंसाने के लिए पैसे देकर किसी का क्राइम नहीं छुपाएगी वो, फिर भले ही सामने मैं क्यों ना हूं। मैं मदद करती हूं आपकी। कितने? 40 लाख, 50 लाख? बात तो सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोग भी क्या सोच रहे हैं? हो सकता है ये दी की कोई चाल हो कि उसका कोई स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर ले और उससे आपको बचा ले, है ना? हाँ यार, पॉइंट तो दिशा का भी सही है, ऐसा भी तो हो सकता है। 1 करोड़? 1 करोड़? इतने पैसे? मतलब इतने पैसे, ठीक है मैं काम चला ही लूंगा। काम क्या, आप तो खुद भी चल लेंगे। हाँ? सोने की छड़ी से, एक हाथ में सोने की छड़ी, दूसरे में सोने की घड़ी, आपका तो वक्त ही बदल जाएगा भाई साहब। अभी आप सही बात कर रहे हैं ना, आपने तब से इंसाफ का पता नहीं क्या राग लगा रखा था, इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए। ये पैसे वाली बात आपने पहले बताई होती, मैं मामला वैसे ही सेटल कर देती। मैं बता रही हूँ आपको, ये जो अभिषेक मेहरा है ना, बड़ी पार्टी अपने जाल में फंसाई है तो वसूली भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। ये तो कैरेक्टर ही चेंज हो गया, एक्सेंट भी चेंज हो गया और डायलॉग भी वो नहीं जो बताए गए थे। फिर सौदा पक्का करते हैं, 2.5 करोड़ बोलते हैं इन लोगों को। हे सरस्वती माँ, अब तो आकर बैठ ही जाइयो मेरी जुबान पर। पर तुमने तो भी 1 करोड़ बोला। करेक्ट, 1 करोड़ तुम्हारे और 1.5 करोड़। अरे भाई, इतना पैसा मिल रहा है, कमीशन तो बनता है ना। नॉनसेंस, किसका कमीशन? अरे मैं तुम्हें पैसे दिला रही हूँ तो कमीशन तो मेरा ही बनता है ना। हे भगवान, यहाँ तो स्क्रिप्ट ही बदल गई। पर तुम तो उनकी पत्नी हो ना, तो तुम कमीशन क्यों लोगी? यही तो है राज की बात, मैं उसकी बीवी नहीं। मतलब आप उनकी अगर बीवी नहीं है तो कौन है आप? मुन्नी। मुन्नी? हाँ मुन्नी, गांव की मुन्नी जो शहर आई थी अभी से पैसे ऐंठने। मैं तो बड़े दिनों से कोशिश कर रही हूँ इससे पैसे ऐंठने की, लेकिन ये कमबख्त मुझे मौका ही नहीं देता। ये मुश्किल से तुम हाथ आए तो मौका लगा है। देखो मुझे क्या लगता है, पैसों की गंगा बह रही है तो उसमें हाथ मुंह क्या, पूरा ही नहा लेना चाहिए। और मेरे लिए नहीं, देखो मैं अपने पूरे गाँव की सोच रही हूँ। मेरे गाँव में पुल बनवाना है, बड़े दिनों से टूटा पड़ा, और इतने पैसों में तो पूरा फ्लाईओवर बन जाएगा। देखिए मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ के करोगे? क्या तुम्हें पैसे चाहिए मिल जाएंगे, देखो मौका देके धोखा देना सीखो। लेकिन जो लेकिन क्या डर लग रहा है? हाँ, वो किस बात से? पैसे नहीं मिलेंगे इस बात से कि झूठ तुम्हारा पकड़ा जाएगा इस बात? झूठ? इस स्टूपिड कैमरा की तरफ क्यों देख रहा? इडियट, ये ब्लैंक हो गया है, सीन पूरा चेंज। अरे नर्वस मत हो यार अंकित, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल यार। झूठ कैसा झूठ पकड़ा ना जाए, मतलब कैसी बह की बातें कर रही हैं आप? बह की बातें तो मैं करती नहीं, क्या है ना कि तुम्हारा खेल खत्म। और तुम्हारे साथ साथ सीसीटीवी कैमरा के उस तरफ बैठे हुए उन 3 गांधी जी के बंदरों का भी खेल खत्म हो चुका है। इसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? आई डोंट नो ब्रो। मैम नहीं नहीं
I swear, मैंने कुछ नहीं बताया दी को। तो फिर इसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? प्लान के बारे में नहीं, हमारे कैमरे के बारे में भी पता चल गया। मतलब प्लान चौपट हो गया। मिशन प्रज्ञा कन्फेशन फेल्ड मिजरेबली। एक्सक्यूज मी प्रज्ञा मेहरा, तुसी कानून हाथ में ले रहे हो, इस गरीब को कंप्लेंट वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। ओ छोटू घबरा मत, मैं गल करता, ठीक है? आज कानून पूरी मदद करेगा गरीबों की। रही सही का सर, इसने आके पूरी कर दी। प्लान फेल ही नहीं, प्लान हो गया है फ्लॉप। इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह जी। हाँ जी हाँ, आप फटे हुए ढोल बजा रहे हैं जिनकी आवाज कानों में चुभती है। की मतबल? मतबल ये, फिल्म का इंटरवल तो निकल चुका है और आप इंटरवल के बाद आए, तो आप आ गए हैं तो जो सीसीटीवी के उस तरफ बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी यहाँ बुला लेती। ओए ये क्यों हो रहा? बैकअप मैडम जी को ना हमारा सारा प्लान पहले से पता है। ओ तेरे, सारी मेहनत पानी फिर गया। सुनिए, आपको वहां पे मेरी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही होगी। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ आ जाए और पूरब और दिशा को भी लेकर आइएगा। यार अभी हम तो सच में गांधी जी के तीन चेले हो गए यार, और पहली बार उनमें से एक औरत भी होगी। अभी जो क्रैक करना है आपको, अभी मजाक करेंगे। अब जो हो गया है वो हो गया है ना। चलिए गांधी जी, पूरब जी, प्रज्ञा दी बुला रही है। मेरी हिम्मत नहीं है प्रज्ञा दी के सामने जाने की। अभी तू चल। पागल हो गए? तुझे पता नहीं क्या, जब मैं हारता हूं ना तो मैं सामने नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, ये जो फिल्म है इसके बाकी के किरदार ना हारने के बाद शर्मा रहे। कोई बात नहीं, वो यहां नहीं आ सकते तो हम वहां चलते। अंकित, हार जीत तो चलती रहती है ना। आप हार गए तो क्या हुआ, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। डींगे हाँक रहे थे ना, अब कीजिए कार्रवाई। जी मैं क्या कार्रवाई करूं, मुझसे तो सब कुछ करवाया गया है। जानती हूँ, सब पता है मुझे। अब और आप पूरी टीम के कैप्टन है ना। कहा था ना तुझसे कि प्लान काम नहीं करेगा। देखा, प्लान फ्लॉप हो गया। अब तुम मैं चुप रहो। चुप आप इधर देखिए। देख इधर, आप इधर देखिए। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपने ये सब किया क्यों? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने मुझे पूछा कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैटर क्लोज्ड। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैडम क्या है? हम जाएं? जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से, वरना सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। अरे चुप। आप
क्या सोच के मेरे खिलाफ प्लान बनाया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहा था ना आपसे मैंने, मेरी छह छह आंखें। तो एक आधी बंद कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम मेरी आंखों की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आप ये हर बार चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। प्रॉब्लम ये कि तुम्हारी चोरी पकड़ी क्यों नहीं जाती। मैं चोरी करती नहीं तो पकड़ी क्यों जाऊंगी। तुम प्रज्ञा हो, ये बात तुम मुझसे छुपा रही हो, ये तो चोरी हो गई ना। वो मैडम जी क्या ऐसी चाहिए? अरे ऐसी कैसे चाहिए, अभी तो जागरण हुआ है, इसके बाद माता रानी की चौकी होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगा, प्रसाद खा के जाना, तब तक बैठ जाए यहाँ पर। बैठ बैठ, पागल है तेरा दोस्त। अभी भागो बच्ची, अरे तुम सुनो, अगली बार ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करना। कुछ ये सारा ड्रामा मेरे लिए। अब तुम इतना ड्रामा करती हो, मैंने थोड़ा कर लिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे तो बड़ा मजा आया आपके सारे प्लान में पानी फेर। दीप पानी नहीं, आपने तो पूरी की पूरी फायर ब्रिगेड बुलवा ली। लेकिन दीप पहले ये तो बताइए कि आपको हमारे प्लान का पता कैसे चला? अरे वो क्या फर्क पड़ता है कि प्लान का पता कैसे चला, फर्क इससे पड़ना चाहिए ना कि है कौन। देखो अब मैंने बहुत टॉलरेट कर लिया, तुम मुझे बताओ कि तुम प्रज्ञा हो या वो मुन्नी हो। प्रज्ञा।